हेलो स्टूडेंट्स, अन अकेडमी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पीके सिंह। बेटा, नीट 2023 का पेपर हो चुका है। काफ़ी बच्चों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी बच्चों का पेपर काफ़ी खराब हुआ है। तो बेटा, एक बात बता दें आपको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर किसी का पेपर अच्छा हुआ है तो पेपर अच्छा होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही राज होता है, हार्ड वर्क और सही डायरेक्शन में पढ़ना। पेपर खराब होने के पीछे भी एक ही राज होता है, गलत डायरेक्शन। तो बेटा, मैं इस बात को आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क किया होता तो आपके नंबर जरूर आते। इस समय मैं कोचिंग में अवेलेबल हूं। नीट 2024 के नए सेशन की स्टार्ट हो चुकी है। दिन भर में 10 से 15 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरा स्कोर 600 से ऊपर जा रहा है, काफ़ी खुश है। कुछ बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनका कहना है कि सर मेरा स्कोर 500 से 600 के बीच आ रहा है। तो बेटा, देखो, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं बेशक उन्होंने अच्छी मेहनत करी है, इसमें कोई शक नहीं। जिनके पेपर थोड़े से खराब हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से कभी छोड़ी हुई है, कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में पढ़ाई करी है। ये आप बिल्कुल, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, अगर आप सही डायरेक्शन में एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो जाएंगे, और अगर आप गलत डायरेक्शन में पुराने पैटर्न में पढ़ाई करेंगे तो आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। बेटा, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मोहम्मद कैफ और कैटरीना कैफ में बहुत फ़र्क है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस रहना है। अब बात इस बात की है कि मैं कोचिंग अवेलेबल हूँ, कुछ बच्चे आ रहे हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उनसे खुशी मिल रही है, फिर उससे कहीं ज़्यादा बच्चे आगे बोल रहे हैं कि सर मेरा पेपर काफ़ी ख़राब हुआ है, मैं काफ़ी दुखी हूँ। तो देखिए, परेशान आप भी हैं, हम भी परेशान हैं। इस परेशानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सलूशन है, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना। हमने पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया, अगर आप कहीं भी पीछे हैं तो इसमें सारी की सारी कमी सिर्फ आपकी है। आपने कहीं ना कहीं से चूक की है, इस वजह से नंबर आपके कम आ रहे हैं, और मैं इसका सीधा प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि हमने अपने यहाँ जो सेशन, हमारे यहाँ इस सेशन अभी नीट 2023 के जो बैचें चलती थी, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, सिग्मा, डेल्टा, सफल, इन बैचों में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और कुछ बैचों में हमने केमिकल बॉन्डिंग और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कराया था। बेटा, जो टॉपिक मैंने एनसीईआरटी को लेते हुए केमिस्ट्री में करवाया हुआ है, जितने टॉपिक हमने केमिस्ट्री के आपको पढ़ाए हैं बेटा, उसका क्वेश्चन सारा का सारा नोट से आया हुआ है। आपको अजीब लगेगा, मुझे इस बात की तकलीफ है कि आप अगर कहीं से भी आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं से जो पढ़ाई का पैटर्न था उसको चेंज किया। मैं आपको 100% ये प्रूफ के साथ आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि जो नीट 2023 का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर, जो मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम कर दिया गया, बहुत ज़्यादा, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया का कोई भी टीचर जो एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ाएगा बेटा, उसके नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं गामा बैच के एक स्टूडेंट का कॉपी मंगवाया हूँ केमिस्ट्री का, और उसके 4 सेट फोटो कॉपी मैंने निकलवा दिए हैं, और नीट 2023 का पेपर लाइन टू लाइन हर चैप्टर का मैं आपको उसमें अंडरलाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो बेटा, मैं आपको वो कॉपी सेट से आपको पेपर में दिखा देता हूँ, तब आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं हमने पढ़ने में कमी छोड़ी। तो मैं प्रूफ के साथ बात करूँगा, फिर आगे आपसे बात करता हूँ। बेटा, मैं ऑफिस में आ गया हूँ, और ऑफिस में ये मैंने गामा बैच के एक बच्चे का नोट्स आपके सामने रखा हुआ है, और आप किसी भी बैच के बच्चे से आप ये नोट्स लेकर मिला सकते हो, क्योंकि सभी बैचों में हमने पढ़ाया है मैक्सिमम, तो सभी चीज़ें सेम है, आप मिला लीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रूफ इसलिए आपको देना चाहता हूँ कि बेटा कहीं ना कहीं आपने कमी छोड़ी है, इस वजह से आपके नंबर कम आ रहे, इसलिए मैं आपको ये प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया में जो भी टीचर ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ाएगा उसके नोट से क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। तो आइए बेटा, मैं एक एक करके आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नीट 2023 में कहाँ से आए और आपने कहाँ गलती करी है जिसकी वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है। मैंने आपके सामने ये उठा लिया है केमिकल इक्विलिब्रियम, मैंने मोड़ रखे हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हमारे पास सबसे पहले मैंने उठा लिया केमिकल इक्विलिब्रियम, पूरा बेटा ये नोट्स है जो मैंने आपको लिखवाया, एक एक एनसीईआरटी की लाइनें इसमें लिखी गई हैं। नीट 2023 में ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है कि गिब्स फ्री एनर्जी अगर निकालना होता है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, तो -2.303 आरटी लॉग बेस 10 के की वैल्यू निकाल करके ये वैल्यू पुट करना था, ये फार्मूला डिस्क आपके सामने पूछा गया है। इसके बाद बेटा अगर हम इसमें बात करें, आगे बढ़ें, तो अगला जो यहाँ पे टॉपिक हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम।
ये पूरा नोट्स है बेटा जो हमने पढ़ाया हुआ है। आयनिक इक्विलिब्रियम में लुईस थ्योरी से कॉन्सेप्ट पूछा गया कि BF3 पूछा गया है, लुईस एसिड होगा, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है बेटा। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम डिक्टो कॉपी से नोट से फंसा हुआ है, कहीं कुछ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी NCERT लिखा हुआ है, इसमें जितनी भी चीजें हैं NCERT, लेकिन बहुत अच्छे मैनर में एक्सप्लेन की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर बेटा हमारे पास है सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट हमने कराया है। सॉलिड स्टेट में बेटा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ये नीट 2023 में डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, जो मैचिंग वाले में था ये पूछा गया है। इसके बाद एक अलग से बिल्कुल क्वेश्चन है बेटा जिसमें ये पूछा गया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर कितना होगा, उसका सही आंसर 1/4 है। ये बेटा डिक्टो आपको नोट्स में मिल रहा है, उसमें ये ध्यान रखेंगे कि आपके नोट्स से किस तरह से चीजें फंस रही हैं। इसके बाद बेटा पूछा गया है आपके यहाँ वायर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड से रिलेटेड, ये न्यूमेरिकल पूछा गया, एक्जैक्टली ये जो वैल्यू आ रही है इसी से रिलेट करके पूछा गया, उसने AXBY करके पूछा था, X+Y की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप मैच करा लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें अगले टॉपिक के, तो अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे जो है वो आपके पास मिल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। ये बेटा सरफेस केमिस्ट्री पूरा NCERT छपी हुई नोट्स में बेटा, ये ध्यान रखना पूरा NCERT। पूछा गया था हेटरोजीनियस कैटालिसिस क्या है, ये बेटा हैबर प्रोसेस में ये आपके पास हेटरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है, ये पूछा गया नीट 2023 में। वेजिटेबल आयन के हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल घी बनता है, ये आपको जो है वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, ये लगातार दो क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, सरफेस केमिस्ट्री में प्यूमिस स्टोन पूछा गया था, तो ये सॉलिड में सॉलिड इसका क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 में। इसके बाद आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे गैसियस स्टेट की बात करें, बेटा अगर आप हो तो हम पेपर भी हमारे पास शायद पड़ा होगा, मैं पेपर से भी आपको मैच कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, सारे क्वेश्चन आप मैच करा सकते हैं। ये मेरा ये नीट 2023 का बेटा पेपर है, आप सोचो नीट 2023 का पेपर ये बेटा पूछा गया, ये ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए क्वेश्चन सही आंसर वाला है, ये पूछा गया है। देखिए बेटा मैंने चार ग्राफ करवाए थे, चार ग्राफ ही करवाया है, ये बेटा डिक्टो नीट 2023 का सही आंसर है, ये आपके सामने दिख रहा है, देखिए ये सही आंसर पूछा गया। ऐसे सारे हैं बेटा सब कुछ, ये पेपर है, पेपर तो आपको पता है इसलिए मैं पेपर से रेफरेंस नहीं बार बार लेना चाह रहा हूँ। इसके बाद इसमें पूछा गया था बेटा कि फोर्सेस क्या होंगे, डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल इंड्यूस, डायपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पूरा इससे रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आया हुआ बेटा वो क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, उसमें डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने है थर्मोडायनेमिक्स का। पूछा गया था कि एंथैल्पी ΔH = ΔE + ΔNgRT, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया नीट 2023 में, ये बेटा एक कॉपी का सेट हो गया हमारा। पूरी NCERT का पोस्टमार्टम मैं करता हूँ बेटा, इसमें सारी चीजें बता रखी है, इसलिए नोट्स आपके सामने ले करके मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से आपने कमी छोड़ी है। ये बेटा यहाँ पे नीट का 2023 का क्वेश्चन आया हुआ, उसने पूछा था कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, मैंने बस बेरियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन का ये क्वेश्चन कराया हुआ जो 20% वाला था, बिल्कुल सेम ऐसे। इसके बाद आ जाते हैं बेटा अगला जो टॉपिक हमारा पास है यहाँ पे, अगला जो टॉपिक है वो बैलेंसिंग का बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन, ये नीट 2023 में ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। आगे की बात करें तो अगला टॉपिक में जो क्वेश्चन आपका डिक्टो मिलेगा वो यहाँ से पेज हमने मोड़ रखे हैं केमिकल काइनेटिक। अगला जो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ बेटा वो केमिकल काइनेटिक का, ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसने बोला था कि अगर A²B हो, B का कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया केमिकल काइनेटिक से। जो अगला क्वेश्चन बेटा आपको मिला हुआ है वो अगला क्वेश्चन मिला हुआ है, नोट्स आप देखिए कितना NCERT, पूरी NCERT छपी हुई बेटा, पूरी NCERT। अगला क्वेश्चन जो आपको मिला है वो मिला है कोलिजन थ्योरी से, कोलिजन थ्योरी का ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ पूछा हुआ था, ग्राफ से रिलेटेड ये पॉइंट पूछा था, उसने स्टेटमेंट बना के पूछा था कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी डिफिनेशन बेटा स्टेटमेंट बेस पे पूछ लीजिए। ये बेटा कॉपी हो गई। इसके बाद अगला अगर हम टॉपिक की बात करें, ये अगले टॉपिक का नोट्स है, इसमें हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग अगर हम बात करें बेटा तो केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन बेटा पूछा गया था जो ये बोल रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था बताइए किसके जो है कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन से
8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ये पूछा गया था, तो उसमें AlCl3 दिया हुआ था, PCl5 दिया, देखिए मैंने कराया था, AlCl में 6 इलेक्ट्रॉन है, PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कहा बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन उठाया गया केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग का बेटा अगला क्वेश्चन जो उठाया गया वो उठाया गया था, ये बेटा पूछा गया था नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का आर्डर क्या होता है। ये बेटा एनर्जी का आर्डर छपा हुआ बॉन्ड आर्डर के साथ, ये डायग्राम बना हुआ है पूरा बेटा, एनसीईआरटी छपी हुई ठीक से, इसलिए क्वेश्चन नोट से फंस जाता है, लेकिन एनसीईआरटी सही डायरेक्शन में अगर पढ़ी जाएगी तभी बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बेटा बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एक क्वेश्चन था वो तो बहुत हलवा था, वो आपके सामने यहाँ पे है, जो हलवा सा क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जिसमें डाल्टन्स थ्योरी का एक पॉइंट पूछा गया था, एटम इंडिविजुअल है, इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया था 9.1 × 10⁻³ kg, ये लिखा हुआ है बेटा। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला क्वेश्चन क्वांटम नंबर्स आया था, m = 2l + 1 का जो रिलेशन है इसी को मॉडिफाई करके पूछा था, l करके पूछा था, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बेटा ये आपके पास टॉपिक अगला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, इनऑर्गेनिक में लगातार दो नोट से क्वेश्चन फंसे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखना ध्यान से, पूछा था उसने कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबल में CoEn को एक ऑप्शन था बेटा, जिसमें बाइडेंटिटी लिगेंड, मैंने बताया था कि अगर डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड ज्यादा होती है स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी, ये सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का ये आपके पास यहाँ पे मिला हुआ। इसके बाद बेटा अगली जो बात है वो अगली बात है, यहाँ पे अगला जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन उठा है बेटा वो क्वेश्चन उठा हुआ है, एक तो सेल कॉन्स्टेंट के बारे में पूछा गया है, बता देते हैं ये पूरा नोट्स है जिसमें सारा इंसर्टिंग है, एक बेटा सेल कॉन्सेप्ट का ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, सेल कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ, सेल कॉन्सेप्ट वैल्यू रख के केवल मल्टीप्लाई करना था। और एक क्वेश्चन जो अगला आया था एनसीईआरटी पे बेस अगर हम बात करें तो डेल्टा जी बराबर -ne, इसके बारे में पूछा गया था, और इसको मैंने भी थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स मैंने लिखा रखा था, ये आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा ये पूरा पेपर है और ये आपके सामने प्रूफ है पूरा, मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि बेटा मेहनत हम लोगों ने पूरी कोचिंग में अच्छे से कर दी है, सारी चीजें आपको पढ़ा रखा था, ये आपके सामने नोट्स है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, और आप मैच करा सकते किसी भी बैच में, सब बैच में ऐसे ही नहीं पढ़ा। तो बेटा मैं आपसे ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कहीं ना कहीं कभी छोड़ी है, और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के 500 से 600 नंबर के बीच में आते हैं, इसका मतलब उनका दो सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया चल रहा है, एक सब्जेक्ट में दिक्कत है। जिनके नंबर 400 से नीचे आते हैं, इसका मतलब पक्का उनके दो सब्जेक्ट बहुत खराब है, कोई एक सब्जेक्ट ठीक चल रहा है। और जिनके 600 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने लगभग तीनों सब्जेक्ट में पकड़ बना ली है। तो बेटा खुद से एनालिसिस करो कि हमारे नंबर किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, और उस चीज को लेकर के तुरंत दोबारा जी जान से जुड़ जाओ। हम सारे लोग आप लोगों के साथ हैं, जिनको भी जरूरत है हमारे हेल्प की, कोचिंग आइए, डिस्कशन करिए, आपको रास्ता बताएंगे कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें आपके साथ होगी। तो चलिए, जिनका नंबर अच्छा आ रहा है उनके लिए कंग्रेचुलेशन, और बाकी जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं दोबारा जी जान से आपको जुड़ना है। बेस्ट ऑफ लक बाय बाय बच्चों।